नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है हाई कोर्ट को पढ़ने वाले हैं, मतलब राज्य सरकार की न्यायपालिका। किसके बारे में? राज्य सरकार की न्यायपालिका के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार की न्यायपालिका के बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। हम यहाँ पर आर्टिकल भी देखेंगे और कंटेंट को भी देखेंगे कि बहुत ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए हाई कोर्ट से संबंधित। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चन को आप बखूबी सॉल्व कर सकें, यही हमारा मोटो है। प्रिय साथियों, आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने छात्रों तक पहुंच सके उतने छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का सेशन है वह है हाईकोर्ट उच्च न्यायालय। मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। उच्च न्यायालय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। हाई कोर्ट देखिए, राज्य सरकार की न्यायपालिका या हाई कोर्ट की जो चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक में इसकी चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है उच्च न्यायालय का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में अगर देखेंगे किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसमें क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, मतलब यहां पर कहा गया संविधान में देखिए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। टू और मोर स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकते हैं, समझ गए। ये संविधान में चर्चा किया गया है। जो राज्यों के लिए जो हमारे यहाँ जो है सो न्यायपालिका की बात कही गई है 214 में, आप ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 214 को याद कर लीजिएगा, कॉपी और पेन अपने साथ रखें और चीज़ों को नोट करते चलेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अनुच्छेद 114 में किसकी चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि अब जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसके बाद अनुच्छेद 214 के बाद जो आर्टिकल है प्यारे दोस्तों वह है अनुच्छेद 215। क्या है? अनुच्छेद 215 वह आर्टिकल है। तो आर्टिकल 215 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। क्या कहा गया है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना इसमें चर्चा किया गया है। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब अभिलेख न्यायालय क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना। अब देखिए इसका जिक्र अनुच्छेद 215 में किया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत प्यारे साथियों, तो मैं वहां पर आर्टिकल आपको बताया था, आप लोग याद कर सकते हैं वह आर्टिकल। चलिए मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अनुच्छेद 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वह भी एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अभिलेखीय न्यायालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 129 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है अनुच्छेद 129 में। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और यह भी जो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 215, यह भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, मैं फिर से यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको। देखिए, हाई कोर्ट जो भी निर्णय सुनाता है, हाई कोर्ट जो भी निर्णय सुनाता है उसके निर्णयों को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है और उसी को इविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों में इसी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए, यही होता है अभिलेखीय न्यायालय। जैसे आपने सुना होगा कोई अधीनस्थ न्यायालय का कोई वकील यदि बहस कर रहा है, वह कहता है कि माय लॉर्ड यह केस इस सन में हाई कोर्ट में पेश किया गया था, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और यह मामला हाई कोर्ट में इस सन में पेश किया गया था और हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। यदि वैसा ही केस अधीनस्थ न्यायालय में आया है तो वह वकील कहता है बहस करते समय कि माय लॉर्ड वैसा ही केस आपके बेंच पर प्रस्तुत किया गया है और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि हाई कोर्ट ने जो उस पूर्व फैसले में फैसला सुनाया था आप भी उसी केस का अनुसरण करते हुए उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाने का कष्ट करें जिनके पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। प्यारे दोस्तों, यह इविडेंस पेश करना हो गया, क्या हो गया, इविडेंस पेश करना, इविडेंस बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले को भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसलिए अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले को भी रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, इसको भी जो है अधीनस्थ न्यायालय में इविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब आप देखने वाले हैं अनुच्छेद 216, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 216 की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 216 में किसकी चर्चा की गई है, इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। प्यारे दोस्तों, किसकी चर्चा की गई, गठन की चर्चा की गई है यहाँ पर। तो गठन के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि उच्च न्यायालय जो होता है वह हाई कोर्ट जो होता है वह मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से मिल करके बनता है, है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिल करके ही जो है हाई कोर्ट का गठन होता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो था, पहले हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट थे, कितने थे, टोटल 24 हाई कोर्ट्स थे। लेकिन वर्तमान समय में भारत में जो है वह 25 हाई कोर्ट है। प्यारे दोस्तों, कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हमारे यहाँ वर्तमान समय में है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, ठीक ना। एक तेलंगाना का हाई कोर्ट जो था, तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ अलग से तो उसका भी एक अपना हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट बना, इसलिए संख्या कितनी हो गई, तो 25 हाई कोर्ट हो गया। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ राज्य तो 29 हैं लेकिन हाई कोर्ट तो 25 ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी, टू और मोर स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं, ये आपका आर्टिकल 216 में चर्चा किया गया है, गठन के बारे में चर्चा की गई है, ठीक ना। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे इसके आगे, जैसे यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी के आगे कुछ और कंटेंट है अनुच्छेद 216 में। तो आप समझ लिए कि हाई कोर्ट के गठन की बात है और वर्तमान में हमारे यहां 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक ना। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे हमारे यहाँ राज्य हैं, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं प्यारे दोस्तों, जहां पर उनके मामले की सुनवाई राज्यों के हाई कोर्ट में ही होता है, क्योंकि दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्यारे दोस्तों, एक तो है दिल्ली और एक है आपका जो है जम्मू कश्मीर। दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, क्या है, जिनका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली में भी हाई कोर्ट है अपना और जम्मू कश्मीर में भी है प्यारे दोस्तों अपना हाई कोर्ट।
दो केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं प्यारे दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप जब देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न में, तो नॉर्थ ईस्टर्न में प्यारे दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हमारे यहाँ राज्य हैं, 7 राज्य आते हैं उसमें, वहाँ पर 7 राज्यों के लिए पहले एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था, जिसका नाम था गुवाहाटी हाई कोर्ट। प्यारे दोस्तों क्या था? गुवाहाटी हाई कोर्ट नाम था। गुवाहाटी में ही केवल हाई कोर्ट था, लेकिन विगत कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, 2013 में किस सन में प्यारे दोस्तों 2013 में क्या हुआ कि 2013 में जो है वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 3 अन्य राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। वो कौन कौन से राज्य थे प्यारे दोस्तों? वे राज्य थे मेघालय। क्या राज्य था प्यारे दोस्तों? मेघालय था। मेघालय में भी हाईकोर्ट का गठन किया गया किस सन में? 2013 में ही गठन किया गया मेघालय में भी। और मणिपुर और त्रिपुरा, है ना, मणिपुर और त्रिपुरा प्यारे दोस्तों, है ना, त्रिपुरा, इन 3 राज्य ऐसे थे नॉर्थ ईस्टर्न के, 3 राज्य ऐसे थे कि जहां पर जो है ये मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 2013 में ही जो है सो 3 हाईकोर्ट बना दिए गए। तो अब टोटल नॉर्थ ईस्टर्न में 4 हाईकोर्ट हो गए हैं प्यारे दोस्तों। एक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट हो गया, एक मेघालय हाईकोर्ट हो गया, एक मणिपुर हाईकोर्ट हो गया और एक त्रिपुरा हाईकोर्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपके हाईकोर्ट हो गए। और एक आपका जो है सो उस समय संख्या अगर देखा जाए तो संख्या उस समय जो है सो कितना था, 21 ही था। 21 के बाद फिर जो है सो 21 के बाद कितने बढ़ गए, 21 के बाद 3 बढ़ गए प्यारे दोस्तों, तो संख्या हो गया था 24, है ना, 24 हो गया था। उसके बाद फिर तेलंगाना का जब हाई कोर्ट बढ़ा तो उसकी तब लेकर के टोटल संख्या हो गया प्यारे दोस्तों 25। इसलिए वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट्स भारत में हैं, समझ गए। और 2 केंद्रशासित प्रदेश में भी हैं, एक दिल्ली में और एक जम्मू कश्मीर में प्यारे दोस्तों। एक कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट कंटेंट में आपको बताने वाला हूं, जो जरूर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और वह कंटेंट यह है प्यारे दोस्तों कि आप देख रहे होंगे कि तो बाकी केंद्रशासित प्रदेशों के मामले की सुनवाई तो राज्यों के हाईकोर्ट में ही होता है ना, लेकिन किन किन हाईकोर्ट में होता है उसको हम लोग को समझना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मामले की सुनवाई प्यारे दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट में होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मामले की सुनवाई कहाँ पर होता है? तो कोलकाता हाईकोर्ट में होता है प्यारे दोस्तों, ठीक ना। और आपका जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे दोस्तों, यहाँ के मामले की सुनवाई जो होता है वो मद्रास हाई कोर्ट में होता है। कहाँ पर होता है? मद्रास हाई कोर्ट में होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। और 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, आप लक्षद्वीप सुने होंगे, हमारा द्वीप समूह एक लक्षद्वीप भी है, यहाँ के मामले की सुनवाई केरल हाई कोर्ट में होता है। कहाँ पर होता है? केरल हाई कोर्ट में होता है। और दमन दीव और दादर नगर हवेली के मामले की सुनवाई, दमन दीव और दादर नगर हवेली के मामले की सुनवाई जो है वह बॉम्बे हाई कोर्ट में होता है प्यारे दोस्तों। कहां पर होता है? बॉम्बे हाई कोर्ट में होता है। और चंडीगढ़ के मामले की सुनवाई, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ के मामले की सुनवाई जो है वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होता है प्यारे दोस्तों। कहां पर होता है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होता है। ये आप बखूबी अच्छे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक ना। आइए अब हम इसे इरेज करते हैं और अब हम लोग कुछ अगले आर्टिकल की ओर रुख करते हैं प्यार दोस्तों। तो ये आप इतने महत्वपूर्ण कंटेंट को समझते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इतने आर्टिकल्स के साथ यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो समझिए कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपसे आप सारे क्वेश्चन के आंसर को बखूबी दे सकते हैं प्यार दोस्तों, ठीक ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 217 के बारे में। बात करते हैं अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 217 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया जो है कि उच्च न्यायालय के, मतलब हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई प्यारे दोस्तों।
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई यहाँ पर और उनके पद की योग्यता की बात की गई। प्यारे दोस्तों किसी बात की गई योग्यता, योग्यता की चर्चा की गई और योग्यता के अलावा आप देखेंगे तो कार्यकाल का भी चर्चा किया गया। किसकी चर्चा किया गया? कार्यकाल की चर्चा किया गया। समझ गए? तीन बातें आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की योग्यता और उनका कार्यकाल, मतलब अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका टेन्योर, टेन्योर जो है कार्यकाल, ये तीन चीजों की चर्चा यहाँ पर मैं करने वाला हूँ विस्तृत रूप से, जो आप ध्यानपूर्वक चीजों को सुने और समझें। देखिए ये जो आपका हाई कोर्ट है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नियुक्ति की बात सबसे पहले हम लोग कर लें कि नियुक्ति कैसे होता है। आप लोग कोलेजियम नाम सुने हैं, एक होता है कोलेजियम, क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब होता है क्या होता है? कोलेजियम एक होता है ना, क्या होता है? कोलेजियम एक होता है। और कोलेजियम में क्या होता है जो है, कोलेजियम में वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलेजियम में जो है यह इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के चार अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से परे यह संस्था है। कोलेजियम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपोर्टेंट आप इसे कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कोलेजियम में कौन होते हैं? तो कुल पांच जज होते हैं प्यारे दोस्तों, पांच जज होते हैं जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनको मिलाकर कोलेजियम बनता है। तो कोलेजियम के सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होता है प्यारे दोस्तों, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप इस पॉइंट को नोट भी करते चले। देखिए शुरू से मैं चर्चा करते आ रहा हूँ। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वह कोलेजियम के सिफारिश से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में वह देखिए किन किन लोगों का परामर्श लेता है, तो कोलेजियम का परामर्श लेता है ना, कोलेजियम का परामर्श लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है और उस राज्य के राज्यपाल का भी परामर्श लेता है। समझ गए? उस राज्य के राज्यपाल का भी परामर्श लेता है। अब यदि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में वह कोलेजियम का परामर्श लेगा, वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेगा, वह राज्यपाल का परामर्श लेगा और वह उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा, तब वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये आप नियुक्ति प्रक्रिया इतने विस्तृत तरीके से समझे और जाने, ठीक ना, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करने वाला हूँ योग्यता। योग्यता क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए और दस वर्षों तक किसी भी न्यायालय में वकालत किए हों या 10 वर्षों तक भारत में किसी भी न्यायिक पद पर कार्य किए हों, केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी न्यायिक पद पर वे कार्य किए हों, ठीक ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्यता रखते हैं, ठीक, और उनकी उम्र जो है वह 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। कितने वर्ष से ज़्यादा? 62 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा उनका आयु जो है नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये योग्यता रहा इनके पद के लिए। अब पूछा जाएगा कि योग्यता की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 217 तुरंत आप बता देंगे। कार्यकाल बताएं प्यारे दोस्तों आपको, कार्यकाल जो होता है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है, एक कार्यकाल मतलब ये 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। कब तक? 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर ये बने रहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, और 62 वर्ष से पहले यदि चाहें तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अपना त्याग पत्र जो है दे सकते हैं। अपना त्याग पत्र किसे देंगे प्यारे दोस्तों? तो ये त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने
अपने अगर आयु से पहले ही हटना चाहें वे, तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। लिख लीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक ना, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है प्यारे दोस्तों। अब त्याग पत्र तो आपने देख लिया कि त्याग पत्र की चर्चा क्या हुई, तो आप इन तीनों की तो चर्चा देख लिए ना, नियुक्ति भी आपने देखा, योग्यता भी आपने देखा और कार्यकाल भी आपने देखा, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आने वाला हूं, जो अगला टॉपिक है हमारा वह है शपथ। क्या है प्यारे दोस्तों? शपथ की बात करने वाले हैं कि शपथ कैसे होता है, ये क्या शपथ लेते हैं, कौन शपथ दिलाता है इन्हें। तो शपथ के बारे में चर्चा करें अगर हम लोग, तो अनुच्छेद 219 में जो है शपथ की चर्चा की गई है। शपथ में यहाँ कहा गया कि शपथ क्या लेते हैं, तो शपथ इन्हें राज्यपाल, शपथ इन्हें राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा इस कार्य के लिए जो नियुक्त कोई पदाधिकारी यदि है तो वे इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। समझ गए? या तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा या राज्यपाल की तरफ से, या राज्यपाल की तरफ से इस पद पर कार्य करने के लिए, इस कार्य के लिए शपथ दिलाने के लिए जो व्यक्ति होगा वह इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। समझ गए? उन्हीं के सामने शपथ लेते हैं। ठीक, ये भी शपथ लेते हैं संविधान के प्रति आस्था रखने का, संविधान अक्षुण बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ठीक ना, और अपनी शपथ संविधान का रक्षा करने का। ठीक ना, और संविधान के जो प्रति होते हैं उनको जो है सो क्या करने के लिए, अक्षुण बनाए रखने के लिए, भारत की संप्रभुता को अक्षुण बनाए रखने के लिए ये अपना शपथ लेते हैं और संविधान में विश्वास भी करते हैं, इसी का ये शपथ लिया करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक ना, अब हम बात करने वाले हैं वेतन। ये शपथ हो गया, शपथ आप देख लिए, ये शपथ अपना किसके सामने लेते हैं, तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है प्यारे दोस्तों। लेकिन त्याग पत्र किसे देंगे? अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक ना, इतना जरूर याद रखिएगा। अब बात करने वाले हैं वेतन। तो वेतन के बारे में प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 221 में चर्चा किया गया है इनके वेतन के बारे में, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। आइए मैं सबके वेतन की चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बता दूं, देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है ना, वह राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य सरकार की संचित निधि से, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है सरकार का, राज्य सरकार का कोष होता है वह संचित निधि। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वेतन जो दिया जाता है इन्हें, लेकिन इस वेतन तो आपने देखा कि राज्य सरकार की संचित निधि से, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन पेंशन की अगर बात आएगी, पेंशन की बात अगर आएगी प्यारे दोस्तों, कि हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों का, जजों का पेंशन कहां से मिलता है? वेतन तो आपने देख लिया, वेतन आपने देख लिया कि राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाएगा, और जो पेंशन है आपका, पेंशन किसे दिया जाएगा? यह केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है प्यारे दोस्तों। कहां से दिया जाता है? केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है पेंशन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन जो है वह राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है प्यारे दोस्तों। ये तो आप कंफर्म याद कर लिए होंगे, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, जो डिफरेंट बताया हूं दोनों में, वेतन में और पेंशन में। वेतन कहां से? राज्य की संचित निधि से, और पेंशन कहां से? केंद्र सरकार की संचित निधि से प्यारे दोस्तों। ये प्रदान किया जाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। समझ गए? अब वेतन कितना दिया जाता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो है 2,80,000 रुपया उनका कर दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 2,50,000 रुपया कर दिया गया है, और जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,50,000 कर दिया गया है, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 2,25,000 कर दिया गया है प्यारे दोस्तों। कितना कर दिया गया? 2,25,000 कर दिया गया। तो ये वेतन आपने देखा कि वेतन किस तरीके से नहीं दिया जाते हैं, तो वेतन का जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 221 में किया गया है प्यारे दोस्तों। कहां पर किया गया? अनुच्छेद 221 में किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, अनुच्छेद 222 की चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 222, इसमें कहा गया किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण, या एक हाई कोर्ट से
दूसरे न्यायालय में अंतरण की चर्चा की गई। अंतरण मतलब किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे न्यायालय में अंतरण। प्यारे दोस्तों, स्थानांतरण मतलब कौन करता है यह कार्य, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यदि अंतरण के बारे में अगर पूछा जाएगा आपसे कि अंतरण कौन करता है, तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। हाई कोर्ट के मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति कार्य करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति कार्य करता है। तो राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वह कोलेजियम के परामर्श से, राष्ट्रपति जो है वह कोलेजियम के परामर्श से, और राष्ट्रपति कोलेजियम के परामर्श से, समझ गए, और जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरित करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से, समझ गए, और जिस हाई कोर्ट में स्थानांतरित करना है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तब स्थानांतरण करने का काम करता है। फिर से समझिए इस बात को, आप फिर से कॉपी में आप इसे लिखते चलिएगा और फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रपति जो है वह कोलेजियम के परामर्श से, समझ गए, और जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरित किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश से, और जिस हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाती है, समझ गए। इसलिए आप ये भी समझिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किनके किनके परामर्श लेता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था ये भी, जिसे आपने इस चीज को यहाँ पर समझ लिया, ठीक ना। अब जो बात करने वाले हम यहाँ पर, इसे मिटा दूं मैं, अब इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब बात करने वाले हैं हम लोग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 223। क्या है? अनुच्छेद 223 है प्यारे दोस्तों। इसमें कहा जाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या होता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है प्यारे दोस्तों। इसे कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्या बोलते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलते हैं ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा जाता है उन्हें, ठीक ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलते हैं। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा जाता है उन्हें। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे दोस्तों? तो देखिए, यदि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या वह हट जाए किन्हीं कारणों से, असमर्थता के आधार पर या उसे हटा दिया जाए, या वह त्याग पत्र दे दे, है ना, या फिर किन्हीं कारण से पद यदि रिक्त हो जाता है उसका, तो उस समय जो राष्ट्रपति होता है वह तुरंत परामर्श करके वह क्या करेगा, उस राज्य के किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को जो है उस पद के ऊपर एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकता है प्यारे दोस्तों, ठीक ना। तो कौन नियुक्त करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट में? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। केंद्र स्तर पर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है, और हाई कोर्ट में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है प्यारे दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, समझ गए। ये रहा आपका चर्चा, इसमें जो जिक्र किया गया था प्यारे दोस्तों। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए। एक बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है, बस इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, या तो अपना इस्तीफा जो है वे राष्ट्रपति को देकर के हट सकते हैं, है ना, इसके आधार पर हट सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का एक तरीका भी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही इन्हें हटाया जाता है। कैसे हटाए जाएंगे? तो संसद में पारित जो है विशेष बहुमत के प्रस्ताव से राष्ट्रपति इनको हटाने का कार्य करता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? तो टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1,
कितना 50% + 1 50% + 1 तथा उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। देखिए 50% + 1 जो है यह कुल सदस्य संख्या